क्या बिहार की गद्दी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सौंपने जा रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या नीतीश अब दिल्ली की सत्ता पर नजर बना रहे हैं? नालंदा में डेंटल कॉलेज के उद्घाटन में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो भाषण दिया उससे तो यही लगता है। सबसे पहले आप सुनिए सुशासन बाबू ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा। आप लोग तो इतना कर ही दिया है, कितना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी, तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत उक्कत नहीं आएगी। इसलिए बहुत लोग आपस में फिर झंझट कराना चाहे, मत किसी के बात में झंझट करिएगा, आपस में एकजुटता रखना चाहे, सबको मिल करके एक साथ से काम करना है और कहीं कोई किसी तरह का आपस में विवाद नहीं करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागन बिगहा में तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने कहा कि हमने काफी काम किया, अब तेजस्वी आगे करते रहेंगे, आप लोग अब इन्हें आगे बढ़ाएं। वही दूसरी ओर बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने हमला भी किया और कहा कि वो जाएंगे तभी बिहार समेत देश की विकास गाड़ी दौड़ाना संभव होगा। सोमवार यानी 12 दिसंबर को नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ पटना भागन बिगहा रहुई डेंटल कॉलेज का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये संभवतः देश का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक डेंटल कॉलेज और अस्पताल है। इतनी बेहतर व्यवस्था और आधुनिक उपकरण दिल्ली एम्स में भी नहीं है। अरे इतना खुशी की बात है, आपको पता नहीं है, सबको मालूम है कि बहुत जमाने से सोच रहे थे कि बन जाए, और जब बनना शुरू हो गया तो बराबर जब जाते थे तो कहते थे भाई इसको और तेजी करिए, और कह ही दिया था कि इस साल पूरा करिए, मुझे खुशी है। ये तो 100 ट्रीटमेंट में देखिए, जो डेंटल करेगा उसके लिए 100, इसके अलावा और एक हॉस्पिटल साथ साथ बनवा रहे हैं, खाली डेंटल का नहीं, उसके अलावा में जो दूसरा भी होगा उसमें भी 100 बेड का रहेगा, जनरल हॉस्पिटल। तो इतना अच्छा जनरल हॉस्पिटल भी रहेगा और डेंटल का ट्रीटमेंट कहीं है इतना बढ़िया, बोलिए। इससे पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जंगल राज की रट लगाने वाले बताएं कि उन्होंने बिहार को क्या दिया, विशेष राज्य का दर्जा की बात हो या फिर विशेष पैकेज की, सभी मांगों को ठुकराते रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि थोड़ी भी मदद मिल जाए तो बिहार को देश के उन 5 राज्यों में ला खड़ा करूंगा जो विकसित की श्रेणी में आते हैं। बोलने वाला तो काम ही बोलेगा, लेकिन भाई आप लोग सब लोग देख ही रहे कितना काम हो रहा। अब आप बताइए, जो लोग बोलते हैं वो लोग बताने क्या किया? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, मांगते रह गए मुख्यमंत्री जी, हम लोग मांगते रह गए, अब तक बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा चुनी, विशेष पैकेज की जहां तक बात थी वो नहीं दिया गया। बिहार जैसा पिछड़ा राज्य है जो अपने दम पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम महागठबंधन के सरकार द्वारा हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने, इतने कम संसाधन के बावजूद भी अगर थोड़ा सा और सहयोग हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग तो देश के 5 अव्वल राज्यों में आ जाए। बता दें इससे पहले सितंबर में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद दावा कर चुके हैं साल 2022 खत्म होने के बाद 2023 में तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन सकते हैं। नीतीश कुमार 2023 में देश की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार के भविष्य की लड़ाई तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। वही जगदानंद सिंह ने बीते दिनों फिर से कहा कि बिहार के लोग नीतीश कुमार को पीएम बनते देखना चाहते हैं और उनकी पार्टी चाहती है कि देश की राजनीति करें। अब नालंदा में दिए भाषण के बाद इतना तो साफ है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या 2024 में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को टक्कर देते दिखाई देंगे।